नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं आपनों राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है। G20 समिट को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। 3 दिन दिल्ली तक रोडवेज बसें नहीं जाएंगी। राजस्थान रोडवेज की बसों को लेकर ये व्यवस्था की गई है। 7 सितंबर की रात 12 बजे बाद दिल्ली शहर में प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। इस कारण जयपुर से जाने वाली बसें गुरुग्राम तक ही जाएंगी। 10 सितंबर की रात 12 बजे तक प्रवेश पर रोक रहेगी। वापसी में गुरुग्राम से ये बसें जयपुर लौटेंगी। 11 सितंबर से नियमित रूप से ये बसें फिर से चलने लगेंगी। रोडवेज MD नथमल डिडेल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। काशीराम चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। काशीराम, G20 समिट को लेकर ये बड़ा फैसला? जी सुमित, बिल्कुल बड़ा फैसला है और 3 दिन तक इस वजह से थोड़ी असुविधा रहेगी जो दिल्ली जाने वाले और आने वाले लोग हैं उनको। लेकिन चूंकि G20 को देखते हुए दिल्ली शहर में जो वाहनों का आवागमन है वो प्रतिबंधित किया गया है, तो उसी दिशा में दिल्ली पुलिस आयुक्त ने परिवहन विभाग को एक लेटर लिखा और परिवहन विभाग के मार्फत राजस्थान रोडवेज को ये लेटर मिला है, और जिसके तहत ये कवायद की गई कि 7 सितंबर की रात 12 बजे बाद से ही दिल्ली में बसों का जो प्रवेश है, आवागमन है, वो नहीं हो सकेगा, बल्कि इन बसों को गुरुग्राम में रोक दिया जाएगा। और इसके बाद जब वापसी होगी बसों की तो वो भी गुरुग्राम से जयपुर के लिए होगी। यानी कि दिल्ली सराय काले खां तक या वहाँ जो बसें जाती हैं वो वहां पर नहीं जाएंगी। और इस दौरान 3 दिन के लिए व्यवस्था रहेगी, 7 सितंबर की रात 12 बजे से और 10 सितंबर की रात 12 बजे तक, यानी 8, 9 और 10, यानी 3 दिन पूरे दिन बसें दिल्ली नहीं जाएंगी। और दिल्ली पुलिस आयुक्त का जो पत्र था उसके बाद में ये लेटर लिखा गया रोडवेज प्रशासन की तरफ से। रोडवेज के जो MD हैं नथमल डिडेल, उन्होंने संबंधित जो अधिकारी हैं डिपो के, उनको सभी को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो बसें हैं। ठीक, चलिए, शुक्रिया काशीराम तमाम जानकारी के लिए।